नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, UKPSC यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यानी JEE जूनियर इंजीनियरिंग की यहाँ पे लगभग 776 पदों पर यहाँ वैकेंसी जारी की गई है। आज देख सकते हो आप, दिनांक 26 नवंबर 2021 को विज्ञापन आ चुका है UKPSC के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता यानी JEE जूनियर इंजीनियरिंग की भर्ती है और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो 17 दिसंबर तक। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, 776 पद है इसमें और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि डिप्लोमा वाले हैं। तो पूरी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे शैक्षिक अर्हता क्या है, अधिमानी अर्हता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और सारी जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, आयु एज लिमिट क्या है और साथ ही साथ किन किन पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर रिक्तियों की संख्या क्या है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या है 776। रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ये कहना है आयोग का। देखो, यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज और अलग अलग विभागों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और प्रत्येक पोस्ट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताएंगे। तो विभाग का नाम है ग्रामीण निर्माण विभाग में, तो ग्रामीण निर्माण विभाग में यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यानी सिविल में, ठीक है, कनिष्ठ अभियंता सिविल में है। देखो, ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। और जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्रावधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो कनिष्ठ अभियंता सिविल की आप पोस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 170 पोस्ट हैं। कनिष्ठ अभियंता यानी JEE में सिविल में कितनी पोस्ट हैं, टोटल 170, और आपके पास जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता ये होनी ही होनी चाहिए, तो आपका डिप्लोमा चाहिए किसमें, सिविल में, उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से। अधिमानी जो अर्हता है, यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो ये भी आपको जरूर लगाने हैं, यदि आपके पास हैं, अगर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वरीयता दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र NCC, ठीक है, या NSS का आपके पास, राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो ये आपको लगाने हैं ज़रूर। उसके बाद है कनिष्ठ अभियंता विद्युत में, इलेक्ट्रिक में, यहाँ पर देखो ये क्या है, किसमें चाहिए आपको, विद्युत इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। बाकी वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या बदल दी उन्होंने, कैटेगरी बदल दी है और स्ट्रीम बदल दी यहाँ पे, ठीक है, और बाकी अधिमान्य अर्हता वही है। उसके बाद यहाँ पे है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक में, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से, फिर वही चाहिए, उसमें डिप्लोमा चाहिए सिविल में, सिविल अभियंत्रण में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और बाकी इसमें भी अधिमान्य अर्हता वही रखी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद सिंचाई विभाग में टोटल 49 पोस्ट है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में, यहाँ पे इसमें कनिष्ठ अभियंता विद्युत में 9 पोस्ट थी और प्राविधिक में 3 पोस्ट थी और सिविल में थी 170 पोस्ट। जो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में 49 पोस्ट है। और देखो, इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा। अगर आपके पास ये है तो ठीक, अगर ये नहीं है तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, या ये भी नहीं है तो अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है। तो इन तीन डॉक्यूमेंट में से, इन तीन सर्टिफिकेट में से, डिप्लोमा में से आपके पास एक होना जरूरी है, और बाकी जो अधिमानी अर्हता ये आपके पास है तो ये आप वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल में टोटल 20 पोस्ट है सिंचाई विभाग में, ये सिंचाई विभाग नहीं, ये आपके आ रहे लघु सिंचाई विभाग, ठीक है, सिंचाई विभाग सिर्फ ये है आपका यांत्रिकी में, और लघु सिंचाई विभाग में आगे आपके एक तो आगे कनिष्ठ अभियंता सिविल जिसमें टोटल 20 पोस्ट हैं, और इसमें भी क्या है, 3 वर्षीय डिप्लोमा आगे बार होना चाहिए भारत के किसी भी मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान से, या अखिल भारतीय प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। 20 पोस्ट इसमें, बाकी अधिमान्य अर्हता इसमें वही है। और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में भी यहाँ पर 16 पोस्ट है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यहाँ पर, और अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है यहाँ पर आप देख सकते हो, और कनिष्ठ अभियंता कृषि में है 3 पोस्ट। उसके बाद है पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के हैं 21 पोस्ट, और उसमें देखो क्या क्या यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो कौन से विश्वविद्यालय से, रुड़की विश्वविद्यालय से या हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ या अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज या उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज या MG टेक्निकल इंस्टीट्यूट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य सरकार है उसके द्वारा मान्य प्राप्त कोई भी संस्थान है, यदि आपके पास उसमें सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 21 पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में
कनिष्ठ अभियंता यानी जेई की सिविल पोस्ट है 79 पोस्ट है यहाँ पे, और 3 वर्ष का सिविल अभियंत्रिकी में डिप्लोमा चाहिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल में 183 पोस्ट है, कनिष्ठ अभियंता में 16 पोस्ट है। ये लोक निर्माण विभाग आ गया, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता सिविल 183 पोस्ट, कनिष्ठ अभियंता 16 पोस्ट, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में 2 पोस्ट है, कनिष्ठ अभियंता विद्युती में है 21 पोस्ट है। तो बाकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो डिटेल्स आप इसको एक बार स्टडी जरूर कर लें, किस में आपको कौन कौन से, वैसे जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको डालनी है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं डिप्लोमा से संबंधित है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा आपको किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। आप देखो यहाँ पे विज्ञप्ति पदों का, यहाँ पे ये कुल 36 आरक्षण के संबंध में विवरण दिया गया है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, प्रत्येक पोस्ट यहाँ पे अलग अलग विवरण है। उसका एज लिमिट देख लो यहाँ पे, ठीक है। आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021। अब देखो यहाँ पे यद्यपि सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अन्य विभागों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो कनिष्ठ अभियंता जेई ग्रामीण निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 18 वर्ष है, और जो अन्य विभाग हैं, मैं जो जेई की जो पोस्ट हैं ग्रामीण निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग में, उसमें न्यूनतम एज कितनी है, 18 मांगी गई है, और जो अन्य विभाग है उसमें कितनी मांगी गई है, 21 मांगी गई है, और सभी विभागों में जो अधिकतम एज है वो है 42 वर्ष। लेकिन अब देखो एक वर्ष की छूट है आपको एज में, उत्तराखंड शासनादेश इतने के तहत 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि में कुल मिला के 1 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। तो आयु की जो गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021 है, और अधिकतम एज कितनी है, 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छूट है 1 वर्ष की, तो 43 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और 2 विभाग आपको बता दिए हैं, उसमें 18 वर्ष ग्रामीण विभाग और पंचायत राज विभाग में जेई की, और बाकी जो अन्य विभाग है उसमें 21 वर्ष, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 43 वर्ष। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं, तो प्रक्रिया पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाना है UKPSC.government.in, वहाँ पे आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क क्या है, तो आपको कोई वैसे शुल्क नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने के तहत दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा COVID-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यवहार से आवेदन को मुक्त करने हेतु इतने के तहत आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो कोई इस मतलब शासनादेश आपने पढ़ा होगा, उसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये आपके सिटी कोड है, यहाँ पे जहाँ पे आप अपना क्या डालना चाहते हैं, सेंटर डालना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, तो जो लिखित मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, ये सामान्य योग्यता परीक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा राज्य क्रम में पाठ्यक्रम परीक्षा, तो जो आपका पेपर फर्स्ट है सामान्य योग्यता परीक्षण का, उसमें सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे, पूर्णांक भी 100 होगा, 2 घंटे में आपको करना है, और सामान्य अंग्रेजी के 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको 2 घंटे में करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ये भी। और अभियंत्रण विषय के जो पाठ्यक्रम दिया गया है यहाँ पे, इन सब्जेक्ट से इतने यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी ये तो देखो ये जो सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। ये आपका यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम इतने में दिया गया है, वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम यानी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पाठ्यक्रम एवं साक्षात्कार संबंधी प्राविधान परिशिष्ट 2 में दिया गया है। तो सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है, क्योंकि वो क्या है, सभी के लिए कंपलसरी है, बाकी सबको अपने हिसाब से, जिसका सिविल इंजीनियरिंग होगा वो ये डालेगा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया आपके, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका होगा उसका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका 180 अंक कुल प्रश्नों की संख्या होगी, पूर्णांक होगा 360 और समय होगा 3 घंटा, प्रत्येक प्रश्न क्या है, 2 अंकों का है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्या होगा, 100 अंकों का होगा। तो लिखित परीक्षा हो रही है आपकी 920 अंकों की, और इंटरव्यू हो रहा है 100 अंकों का, टोटल यहाँ पे 1020 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। अब देखो सिलेबस ये है, तो सामान्य हिंदी का सिलेबस ये होगा या सामान्य इंग्लिश का सिलेबस ये हो गया। बाकी ये क्या है, ये सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, जनरल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स ये हो जाएगा आपका, और आपका ये काय का है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो सभी का यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स ये आपकी क्या है, सिलेबस पूरा यहाँ पे दिया गया है, थर्मल इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है।
तो सिलेबस भी इसी में आपको मिल जाएगा, इसी PDF में लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये पोस्ट थी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, जूनियर इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो JEE के यहाँ पे टोटल 776 पद हैं, इसमें वैकेंसी निकली है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर इसके लिए आपको अप्लाई करना है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।